तो कैसे हो दोस्तों? तो हम हैं थम्पुस विलेज इन नेपाल में। तो खास करके लोग, ये मेरे बैकग्राउंड में जो चीज है, जो माउंटेन है, इसे ही लोग विजिट करने आते हैं। ठीक है, कोई अन्नपूर्णा बताता है, कोई टाइगर हिल बताता, तो जो भी इसका नाम है बताएंगे। और मतलब यार व्यू है ना, सिर्फ इसके लिए लोग आते हैं। ब्यूटी अलग ही लेवल की है। अगर आपको इस विलेज में जगह पे आना है तो पूरी वीडियो देखिए, उसके बारे में जानकारी है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब क्या फील हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल के साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा, मैंने दूसरा कमरा ले लिया था वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कंफर्ट है। तो चलते हैं। और वो जो सन, तो थम्पुस से 1.5 किलोमीटर पहले मेन रोड पे मैं पूरा डिटेल इसको दिखा दूंगा बाहर से भी। अभी अंधेरा है, तो ये देखिए यहाँ पे है मेरा ट्रिक, देख रहे हो, अभी भी अंधेरा ही है। ये मेरा स्ट्रिक भाई साहब, ब्लॉक के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अबे वहां का इंतजार करना, देख रहे हो, ये देखिए भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई, देख रहे हो हमारा भाई। अरे गांव में ना ऐसा मॉर्निंग में कुछ बजने लगता कि स्पीकर है, मुझे लगता है सुबह यहाँ पे उठाने का। देखिए ये मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ये मेरा सेटअप लग गया है सुबह के शूट करने के लिए। देखे तो भाई, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है, देख सकते हो इतनी इजीली 2-5 मिनट का जो शॉर्ट रहता है ना, काफ़ी उसके लिए तैयारी, काफ़ी जल्दी उठना पड़ता, देख रहे हो, तो ये बात है। ये मेरा इधर ऐसे एक हाथ से मोबाइल लिया, एक हाथ से कैमरा, पीछे भी मोबाइल है, सेलफोन है मेरा, सेल्फी स्टिक उस पर लगा हुआ है, ये देखो, देख रहा हूँ ये लगा है। उस वाले व्हाइट वाले में बताया ना, उसमें था, उसमें भी दरवाजा खोले तो डायरेक्ट दिखता है, लेकिन ये थोड़ा हाइट पे है। रुके थे और यही जो मैंने लिया है ना, ये मतलब होटल, ये बहुत अच्छा है यार, बहुत गुड है, वेल एंड गुड है। यहाँ पे खाना वाना, लंच सब कुछ, और रूम वूम मुझे भी दिया गया ना, बहुत अच्छा है। क्लीनिंग हर चीज़ में, वाईफाई सब कुछ, मतलब ना कि ओके है आदमी। और मेरा मतलब जैसे आपने देखा, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ अंदर ही अटैच है, और प्राइस भी एकदम नॉर्मल ही है, तो यानी बहुत बेस्ट है, ठीक है।
सब आंटी ने की, ये भी पेवर इनके घर का ही है ना सब कुछ भाई फुल। वो भी घी ऐसे ऐसे में नहीं, पूरा भर के रखी आंटी। कर्ड खाने के लिए कर्ड भी है। अच्छा, ये क्या आंटी कर्ड, मतलब ये क्या होता है? दही। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे बाप, पूरा स्टॉक मतलब रेडी है। इसके लिए मैं देखता हूँ यहाँ के जो छोटे बच्चे रहते हैं पैदा भी, वो बहुत हेल्दी रहते हैं, मोटे रहते हैं, दवा भी नहीं खाना पड़ता, दवा भी, और इतने अट्टे कट्टे रहते हैं, दिखने में एकदम गोल गप्पे की तरह रहता है ना, फूले हुए। ये भाई ने आंटी ने डाला घी, लोग बात में तेल यूज करते हैं। तेल तो नहीं। ये क्या आंटी, इसका क्या नाम बताए? ये है मिलेट, जो कोदो बोलता अच्छा, है। अच्छा, तो आंटी कुछ मेरे लिए डिश रेडी कर रही है, देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अगर कोई भी ऐसे ट्राई करे यहाँ का, अगर कोई भी आता तो यहाँ पे देसी चीज ट्राई करे, इनके पास ही मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, अभी तो ये ना ही, ये ना ही ब्रेड है, ना ही जैम है, ये फुल देसी प्योर नेचुरल चीज है, हाँ। पूरा घी के साथ में घी आया है। और ये डल्ले खर्चा नहीं बोलते। हाँ हाँ जी जी, ये दही है। अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू। फाइनली अब निकलने का टाइम आ गया यहाँ से, तो यहाँ की प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। काफी बहुत बेहतरीन लोग हैं। सबसे पहले तो अभी यहीं पे आके रुकती भी है, यहीं से, यहीं ये रोड है, यहाँ से आगे भी जाती है। देखो डंपस का लगा हुआ है। सुबह में 9:30 की बस भी है। ठीक है, हम चलते हैं, अब आपको रूम बता देते हैं। ये अपना रूम, रूम मुझे बहुत मतलब हॉस्पिटली ये लोग मतलब काफी अच्छे से रखे हैं। देखिए मेरा रूम है भाई, थोड़ा सा गद्दा डबल लिया था, हमें कोई चार्ज नहीं लगा, बहुत ठंड थी रात को। और ये देखिए, ये मतलब अच्छा से पूरा बढ़िया से क्लीनिंग यार, हर चीज मतलब ना कि रूम में क्लीनिंग व्लीनिंग। और ये जैसे एक विंडो भी है जैसे आप, ये भी, और यहाँ पे जो है काफी क्लीनिंग, एक छोटा सा साबुन भी दिया था, ये भी था, मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया। हाँ, शावर गर्म, हॉट वाटर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये अरे यार, यहाँ पे प्लग था, शिट, ये सामने दो प्लग एक्स्ट्रा भी दिया है, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा एक ही प्लग है, हट तेरी, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। ये कोई नहीं, ये हम थोड़ा सा रखता हूँ, फिर आपको नीचे का बताता हूँ, फ्राइज बर्गर सब बताता हूँ, ठीक है? ओके, उनके ऑनर से भी मिलाता हूँ। और रूम में देखिए, एक छोटू सा डस्टबिन भी दे रखा है, मतलब अच्छा है, बहुत बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन है। और ये यही भी रखते हैं, हम इसे करते हैं क्लोज। डबल बेड भी है इसमें, चलते हैं। ठीक है, अब हमारा सफर रहेगा पोखरा, पोखरा से अब फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये और ये ज्यादा करके है ना, ये लोग का सब घी घी, मुर्गा मटन सब्जी सब कुछ खुद ही उगाते हैं ये लोग, टोटल यहाँ पे खुद है। इनका दुकान भी है किराने का छोटा सा, ये देखिए। हाँ, ये यहाँ का लोकेशन है, यहाँ पे अगर आते हो गाड़ी वहाँ से आती है ना, तो आपको आंटी से ही मैं बताता हूँ कि क्या है, ये यहाँ का है, पूरा एड्रेस वगैरह बता देंगे। इनका दुकान है और मेन रोड पे ही है। ये देखिए, यहाँ पे अंकल दूध गर्म कर रहे हैं। अंकल
हाँ बताइए क्या कुछ नहीं, नहीं उससे क्या प्रॉब्लम नहीं ना, ये ऑर्गेनिक कपड़ा है, ऑर्गेनिक कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आप बताइए कि क्या है इधर का ढम्पुस पोखरी पोखरी और आपका होटल पीस कर्मा व्यू पीस कर्मा व्यू और नंबर बोल 9985606217 अच्छा ये नंबर है ना होटल पीस कर्मा। अच्छा ये जो रेट में आपने है तो रेट वो बता दीजिए सिंगल बेड डबल बेड। अभी हम लोग का है इधर दो ट्रिपल बेड है उसका 1500 रुपया लगेगा, डबल बेड है उसका 1200 रुपया लगेगा जो नॉर्थ व्यू पॉइंट है और जो ईस्ट और साउथ क्या बोलता है ईस्ट और वेस्ट व्यू का है उसका 1000 रुपया है डबल बेड का, डबल बेड का और सिंगल बेड का 500 है। 500 तो आप ये कभी भी आए मतलब ये रेट में कितना बेड है टोटल कितना रूम है आपके पास? टोटल गेस्ट रूम है 10 उसमें 2 सिंगल है 4 डबल है और 2 ट्रिपल है। अच्छा 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 2 डबल है और देखिए ये लोग जो भी आप यहाँ पे खाने के लिए हर चीज यहाँ पे आपका सब कुछ वेजिटेबल मुर्गा सब आप खेती में सब खेती में ये है। अच्छा मिर्ची डाले खरसानी और ये लपसी बोलते हैं लपसी। अरे बाप रे क्या क्या डालती हो आप, तो चाहे तो बिजनेस कर सकती हो इसका। हाँ अच्छा 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 अगर चाहे तो आप इसका बिजनेस कर। ये पूरा किचन आप अकेले संभालती हो पूरा? बर्तन धोने के लिए दूसरा अच्छा आदमी आता हाँ, बाकी सब बनाने के लिए आप खुद ही। ये देख लीजिए इनका पीछे से दिखाता हूँ इनका ये कुछ छोटा सा ये इधर गार्डन। है हाँ हाँ ये गार्डन टाइप का है पुराना है एक सब्जी वगैरह भी यहीं पे होता है। ये भी पुराना आपका ही घर है ना? मेरा वो विंडो खुला है ना हाँ, वो है मेरा। अच्छा तो ठीक है गाइस यहाँ पे 9:30 की बस है पोखरा के लिए। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।